आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि दोस्तों आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से अपने मोबाइल से कैसे आधार कार्ड को डाउनलोड करें, इसी के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी लाइव दिखाऊंगा दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र को यहाँ से आप ओपन करेंगे दोस्तों, और उसके बाद क्रोम ब्राउज़र में आप UIDAI के यहाँ पर सर्च करके उसी के वेबसाइट पर जाना है। ये गवर्नमेंट की आधार कार्ड की वेबसाइट है दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ से इसको ओपन कर देता हूँ और यहाँ से UIDAI डाल देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं UIDAI डाल दिया दोस्तों, और हम इसको सर्च कर देंगे दोस्तों। दोस्तों जैसे सर्च करेंगे तो आपको पहली वाली वेबसाइट दिख जाएगा, उसी को ओपन करना है। चलिए गाइस, यहाँ से मैंने पहली वाली वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर दिया दोस्तों, और यहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए थोड़ा यहाँ पर आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड आधार का ऑप्शन दिख रहा होगा। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसी पे आपको टच करना है, ठीक है। यहाँ से इसको ओपन करेंगे, इस पेज को। यहाँ से आप जैसे पे ओपन करेंगे दोस्तों, तो आप तीन ऑप्शन से अपना आधार कार्ड तीन तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर एक, आधार नंबर से आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर दो, एक एनरोलमेंट आईडी नंबर जो दिया जाता है उससे भी आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एक है वर्चुअल आईडी से भी अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन, तीन तरीके से आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आधार कार्ड से डाउनलोड करूँगा, तो यहाँ पर 12 डिजिट का जो आधार नंबर रहता है दोस्तों, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा, इस कैप्चा को फिलअप करके यहाँ से सेंड OTP करेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पे मैं आधार कार्ड नंबर और कैप्चा डाल के यहाँ से सेंड OTP कर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से मैंने सेंड OTP कर दिया दोस्तों। अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है दोस्तों, जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर आपको 6 डिजिट का OTP गया होगा दोस्तों। अब उस OTP को यहाँ से आप डाल देंगे दोस्तों। तो मेरे आधार कार्ड पर आ चुका है ये OTP दोस्तों, तो मैं डाल देता हूँ। तो चलिए डाल देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ से मैंने इस OTP को डाल दिया दोस्तों, और अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होगा, इसे टिक मार करेंगे दोस्तों, तीनों में टिक मार कर देंगे, और यहाँ से अब वेरीफाई एंड डाउनलोड करेंगे तो आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आधार कार्ड जब डाउनलोड करेंगे दोस्तों, तो उसको ओपन करने के लिए PDF में जब कन्वर्ट होगा, तो दोस्तों इसे ओपन करने के लिए आपका पासवर्ड रहेगा दोस्तों। जैसे कि आपका जो भी नाम है दोस्तों, उसका स्टार्टिंग पहला लेटर रहेगा, कैपिटल लेटर में 4 लेटर रहेगा, और उसका डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसका 4 रहेगा। जैसे कि आपका जन्म दोस्तों 1996 में हुआ, जैसे 1998, तो 1998 वो होगा, और आपका जो वो नाम है दोस्तों उसका 4 लेटर रहेगा। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं जूम करके दिखाता हूँ। जैसे कि इस बंदे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दोस्तों कि आपका नाम है अनिश कुमार, तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा ANIS 4 होगा आपका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ आपका 4 डिजिट का होगा, जो कि आपका जो जन्म जिस ईयर में हुआ वो होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। अब हम इसको वेरीफाई एंड डाउनलोड करेंगे दोस्तों। यहां से अब हमारा आधार कार्ड देख सकते हैं, यहां से अब डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, जो कि मैंने आपको बता दिया हूँ दोस्तों। आपका जो भी नाम है वो उस लेटर में 4 लेटर लिख दीजिए, जो भी नाम है, और उसका डेट ऑफ बर्थ जिस भी ईयर में हुआ है उसका, वो यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया दोस्तों, इसको ओपन करेंगे। अब हमारा आधार कार्ड यहाँ से डाउनलोड हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल हो चुका। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने मोबाइल से एंड्रॉयड फ़ोन से आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी यूनिक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन देता रहूँगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।